गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ फॉर क्लास सिक्स चैप्टर वन पार्ट ई। इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट पार्ट डी ऑफ दिस चैप्टर। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पार्ट ई। दीज क्वेश्चन आंसर्स आर अ लिटिल बिट लॉन्ग बट दे आर इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ सी फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन मीन कैसे बना सोलर सिस्टम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट, कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, अ जायंट क्लाउड ऑफ गैसेज एंड डस्ट कॉल्ड निबोला अपीयर्ड इन द स्पेस अबाउट 4.6 बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। तो एक जायंट क्लाउड मीन्स बहुत बड़ा क्लाउड किस चीज़ का, गैसेज और डस्ट का, जिसको निबोला कहा जाता है, वो आसमान में स्पेस में अपीयर हुआ कब, 4.6 बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। इट कूल्ड एंड गेन्ड वेरी फास्ट रोटेशन, ये ठंडा हुआ और बहुत ही जल्दी इसने अपनी रोटेशन मतलब कंप्लीट की। फिर उससे क्या हुआ, द एट बॉल्स ऑफ गैसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस वर सेपरेटेड। आठ बॉल जो गैसेस की हैं अलग अलग साइज की, वो अलग हुई एंड चेंज इन टू प्लैनेट्स, और किस में बदल गई, ग्रहों में। प्लैनेट्स हमारे एट प्लैनेट्स हैं ना, तो उसमें चेंज हो गई। द रिमेनिंग सेंट्रल मास ऑफ द निबोला चेंज इन टू अ स्टार नोन एज द सन। जो रिमेनिंग सेंट्रल वाला पार्ट रह गया, ठीक है, बहुत बड़ा, तो वो क्या है, स्टार में चेंज हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं, सन। तो ये आपकी फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग एक निबोला जो नाम का क्लाउड है वो अपीयर हुआ 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद वो रोटेशन के साथ ठंडा होना शुरू हुआ, जिससे एट डिफरेंट डिफरेंट साइज की जो गैसेस वाले हैं बॉल्स, वो अलग हुई, वो प्लैनेट्स बन गई, और सेंट्रल रिमेनिंग पार्ट क्या बन गया, सन बन गया। बहुत ईजी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट थ्री फीचर्स विच मेक द अर्थ अ यूनिक प्लैनेट। तीन फीचर्स बताने हैं जो अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट बनाते हैं। थ्री फीचर्स आर, द अर्थ रिसीव्स मॉडरेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। तो अर्थ जो है इक्वल सी, ठीक है, हीट और लाइट सन से लेती है। टू थर्ड ऑफ अर्थस एरिया इज कवर्ड विद वाटर, टू थर्ड एरिया अर्थ का जो है पानी से ढका हुआ है। इट हैज़ एन एनवलप ऑफ एयर अराउंड इट, और इसके आसपास क्या है, एक हवा का एनवलप है, ठीक है, जिस वजह से हम सांस ले पाते हैं, ठीक है। तो अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो हमारी जो लाइफ के लिए ऑलमोस्ट फेवरेबल कंडीशन है वो अर्थ के ऊपर ही हमें मिलती हैं, ठीक है। इसीलिए ही हमारी जो लाइफ है सिर्फ अर्थ प्लैनेट के ऊपर ही पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन थ्री मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सैटेलाइट। सैटेलाइट की तीन करेक्टरिस्टिक्स बतानी है, ठीक है। थ्री करेक्टरिस्टिक्स आर, फर्स्ट क्या है, द सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड इट्स रिस्पेक्टिव प्लैनेट। तो सैटेलाइट्स जो होती हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव प्लैनेट्स के अराउंड घूमती रहती हैं। इट डजेंट हैव इट्स ओन हीट एंड लाइट, अपनी हीट एंड लाइट इनकी नहीं होती, ये भी सिमिलरली प्लैनेट्स की तरह इट रिसीव्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, ठीक है। प्लैनेट्स की तरह सन से ही इनको हीट और लाइट जो है वो मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑन द फेजेस ऑफ मून विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ डायग्राम हेयर, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया इसके साथ नोट की डायग्राम बनानी है। पहले डायग्राम बनाएंगे आप यहाँ पे, वही जो फेजेस ऑफ मून वाली होती है, ठीक है, हमने जिसमें दिखाया था ना, मैंने वीडियो में भी समझाया था आपको, तो वही डायग्राम आपकी बुक्स में मिल जाएंगे आपको। यू विल ड्रॉ दैट डायग्राम, ठीक है। उसके बाद फिर आपने ये एक्सप्लेनेशन देनी है। एक्सप्लेनेशन क्या है, द विजिबल पोर्शन गोज ऑन इंक्रीजिंग ग्रेजुअली डे बाय डे आफ्टर द न्यू मून डे। सबसे पहले न्यू मून, जिसको हम अमावस्या बोलते हैं, उसके बाद क्या है, धीरे धीरे जो मून का जो पोर्शन है वो धीरे धीरे हमें अपीयर होना शुरू हो जाता है, विजिबल होना शुरू हो जाता है। ऑन एट्थ डे हाफ पोर्शन ऑफ द मून कम्स इन आर व्यू, ठीक है। तो एट्थ डे हाफ पोर्शन दिखने लग जाता है हमें। द फुल मून बिकम्स विजिबल आफ्टर 15 डेज, 15 दिन के बाद, जिसको पूर्णिमा हम बोलते हैं, फुल मून, ठीक है। 15 दिन के बाद हमें फुल मून जो है वो दिखाई देता है। व्हेन हाफ ऑफ इट्स रेवोल्यूशन इज कंप्लीटेड, जब उसकी हाफ रेवोल्यूशन मून की कंप्लीट हो जाती है। द डे व्हेन मून इज कंप्लीटली विजिबल टू अस इज द फुल मून डे, ठीक है। तो फुल मून डे होता है, फिर उसके बाद फिर से वही प्रोसेस शुरू हो जाता है, ठीक है। धीरे धीरे कम होता शुरू हो जाएगा और फिर वो जो है इसमें न्यू मून की तरफ आ जाएगा, ठीक है, अमावस्या की तरफ। फिर वहाँ से ग्रेजुअली शुरू होके विजिबल होना शुरू होगा, फिर पूर्णिमा पे आ जाएगा।
क्लियर है, डायग्राम बना के फिर आप ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द अदर सेलेस्टियल बॉडीज। कौन कौन सी हैं अदर सेलेस्टियल बॉडी? एस्ट्रॉइड्स हैं, मेट्रॉइड्स हैं, कॉमेट्स इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, तो इनके ऊपर हमने नोट लिखने हैं। सबसे पहले है एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स आर रॉकी स्पेस ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट आर सन। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी समझाया था नहीं आपको कि रॉकी स्पेस ऑब्जेक्ट्स हैं जो सन के अराउंड ऑर्बिट होते हैं। मोस्ट एस्ट्रॉइड्स ऑर्बिट आर सन इन अ स्पेस बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ज़्यादातर जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो क्या है, हमारे सन जो एक स्टार है उसके मतलब स्पेस में ऑर्बिट होते हैं, किनकी स्पेस के अंदर? जुपिटर और मार्स के अंदर। ठीक है, जिसको एस्ट्रॉइड बेल्ट कहा जाता है, जिसमें सारे एस्ट्रॉइड्स, मोस्ट ऑफ द एस्ट्रॉइड पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मेट्रॉइड्स। दीज आर लिटल चंक्स ऑफ रॉक एंड डेब्रिज इन स्पेस। ठीक है, पथरीले छोटे छोटे पदार्थ हैं, चंक्स हैं, टुकड़े हैं जो पाए जाते हैं स्पेस के अंदर। दे बिकम मेट्रोस व्हेन दे फॉल थ्रू अर्थज एटमोसफियर लीविंग अ ब्राइट ट्रेल एज दे आर हीटेड बाय द फ्रिक्शन ऑफ द एटमोसफियर। मतलब बहुत ज़्यादा चमकते हैं क्योंकि इनमें हीट होती है, जो एटमोसफियर के साथ जो फ्रिक्शन करके रगड़ के साथ अर्थ के अंदर जब ये आते हैं, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में रगड़ के साथ इनके अंदर हीट निकलती है, तो ये इस तरह से ब्राइट ट्रेल के साथ वहाँ पे अपीयर होते हैं। नेक्स्ट कॉमेट्स। कॉमेट्स आर द स्मॉल बॉडीज। ये छोटी बॉडीज हैं विद द हेड एंड लॉन्ग ल्यूमिनस टेल, जिसका एक हेड होता है, एक लॉन्ग ल्यूमिनस टेल होती है। दे आर मेडअप ऑफ डस्ट एंड फ्रोजन गैसेस। डस्ट के साथ बने होंगे या फिर फ्रोजन गैसेस के साथ। ठीक है, दे अपीयर इन द स्काई आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड, और काफ़ी लंबे समय के पीरियड के बाद ये स्काई में दिखाई देते हैं। ठीक है, सो दीज वर योर क्वेश्चन आंसर्स। वी हैव 5 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, एंड ट्राई टू कंप्लीट इट ऑन योर फेयर नोटबुक्स एंड ट्राई टू लर्न इट। थैंक यू।